साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है हमारे इस खास कार्यक्रम का। गुजरात में 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनसभा और रैलियां कर जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के प्रचार के लिए गुजरात के कलोल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में मुझे अपशब्द कहने के लिए होड़ मची हुई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। इसी को लेकर मोदी ने कहा कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी कमल उतना ज्यादा खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां के रिमोट कंट्रोल से चलती है, तो वहीं अगर यहां की विधानसभा सीटों की बात करें तो उनकी जनसंख्या 182 है, जिनमें 40 सीटें आरक्षित हैं, 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 13 सीटें अनुसूचित जाति की रिजर्व है। विधानसभा में बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। 2017 के चुनाव बीजेपी सिर्फ 99 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 177 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विजयी हुई थी। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते थे, जिनमें बडगाम से दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी की कांग्रेस के समर्थन से जीत हुई। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।